Assalamualaikum। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आपको सुनाएंगे सस्ती शायरी। और आपका अनोनिमस देख लो, एक रात में दो दो वीडियोस एडिट कर रहा है क्योंकि उसने जाना है शादी में। और शादी में जाएगा तो आपके लिए तो गेम प्ले बना के जाना पड़ेगा ना अनोनिमस पब्लिक। तो मेहनत कर रहा हूँ, पूरी रात हो गई मुझे जागते जागते, वो वाली एडिट की, रिकॉर्ड की, एडिट की, अपलोड की। अब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, अपलोड करूँगा, दो दिन का कॉन्टेंट बना रहा हूँ मैं। तो लाइक बटन दबा देना, इसी बहाने आपको एक और सस्ती शायरी सुनने को मिल रही है, बल्कि मैं ही बना रहा हूँ एक रात में दो। तो भूल गया। जब तुम मारते हो बच्चे को थप्पड़ तो वो जोर जोर से रोता है, वाह 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 वाह। 5 बार वाह वाह करेंगे साथ में, कि जब तुम मारते हो बच्चे को थप्पड़ तो वो जोर जोर से रोता है, शादी में पाकिस्तानियों का डांस सबसे अलग होता है। सस्ती शायरी विद अनोनी मस्त बाबा जी, वाह 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 वाह। अब यहाँ पे छोटा मीम लगाएगा, वाह 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 वाली। तो बाबा जी, हम जा रहे थे वो यानी कराची, और कराची में हमारे ऊपर हो जाएगा स्क्वाड का लैंड। अपने बम उन्होंने हमारे पास में उतार दिए और हमें कैसे भी करके उनसे बचना था, और यहाँ तो ज़िंदगी खतरे में आई थी। बस मैं कह रहा था अल्लाह पाक मुझे गन मिल जाए, मैं इनकी बैंड बजा दूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गई थी UMP, और सस्ती UMP, मतलब पहले वाली अच्छी थी, ये तो बेकार UMP है वैसे, और एस्टल के, लेकिन बेकार गन भी हमारे काम आई। इस बंदे को किया नॉक, हीरोइन MJB, वाह 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 वाह, क्या नाम है तेरा भाई, वाह 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 क्या नाम है। अब बंदा मेरे टीममेट ने पीछे देखा था, अब हम इनके काम देखो, हमारे टीममेट के काम देखना। बंदा देखा, मार्क किया, मैं जा रहा हूँ उस पर रश करने, देखा मेरे टीममेट ने, मारने मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं जम करके उसको मारा, मेरी हेल्थ देखो, और वो देखो पीछे लूट हो रही है यहाँ पे। भाई तुमने मार्क किया, हेल्प तो करो। नहीं, हेल्प नहीं करनी, जाके बता दिया बोरा बंदा, जाके मार लो, मर गया तो मर गए हम, क्योंकि हमारे तो माथे में लिखा है कि हम बंदा मार देंगे। अभी बैंड बज जाती मेरी, और खुद लूट कर रहे हैं मजे से, वाह 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 वाह। तो अनोनिमस की पब्लिक यहाँ हमारी जिंदगी खतरे में आ गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए। उसके बाद यहाँ पे हम मेडकिट वेट के लगाएंगे, तो शुक्र है इस बंदे का जिसने मेडकिट उठा रखी थी हमारे लिए। मेडकिट लगा के अपनी हेल्थ पूरी करेंगे, और उसके बाद हम थोड़ा सा साइड चेंज करते हैं कि इनके बाकी टीममेट को देखा जाए कहाँ पर है। वो बॉट आ रहा था पानी में, तो हमने कहा भाई हम बॉट नहीं मारते, आप मार लो, आप अपना KD ज़्यादा कर लो, हम बॉट नहीं मारेंगे। तो बॉट को मार लिया हमारे टीममेट ने, हम यहाँ पे आया था मैं उनके टीममेट्स को ढूंढने, और इतनी देर में हमारे टीममेट की बच गई बैंड। अब उनका आखिरी बंदा है ये, अब मुझे कैसे भी करके इनको बचाना है। अब वीडियो पॉज करो, मुझे कमेंट से बताओ मैं बचा पाऊंगा या नहीं, पॉज कर दो बताओ। तो अब वो बंदा आ गया रश करने के लिए, अब मैं जंप करके देखा कहाँ है, आ गया। बाबा जी अगर मैं ना लेटता ना, पक्का मेरी बैंड बज जाती। और यहाँ पे हमने जादू दिखाया, जादू मेरी गन में से निकली हुई एमो का, कैसी अजीब अजीब हरकतें करता है आपका अनोनिमस। तो यहाँ पे मैंने अपने टीममेट को बचा लिया, और मेरे पास अब मजे की बात हीलिंग नहीं है, लेकिन देखो हील नहीं कर रहा, पहले भाग के लूट करेंगे, क्योंकि लूट का नो मजाक बाबा जे, लूट का कोई मजाक नहीं होता मड़ा, लूट का। मैं पश्तो का एक डायलॉग लेके आऊंगा, अब एनिमीज को बोलूंगा मस्ती मक्का हुआ मड़ा, मस्ती मक्का हुआ। बंदों को मारने के बाद हम बोलेंगे मस्ती मक्का हुआ, मक्का हुआ होता है या मक्का हुआ, मस्ती मक्का हुआ, मस्ती मक्का हुआ। तो यहाँ पे मैंने जंप करके दूसरा बंदा स्पॉट किया, और फौरन से मैं इसके ऊपर आके बैंड बजाई इसकी। अब मैं पश्तो में डायलॉग सीखूंगा, पंजाबी में भी सीखूंगा, और सिंधी में भी एक डायलॉग सीखूंगा मैं, तो मज़ा आएगा, जल्दी आएगा आपका अनोनिमस, फिर आपके फेस स्कैन के सामने बोला करेगा डायलॉग को। अच्छा सीखूंगा, वरना जिन जिन अपने अगर किसी दोस्तों को बोला ना सिंध का कोई मेरा दोस्त हो, तो फिर उल्टी सीधी बात ही सिखाएंगे। तो उससे अच्छा है बंदा किसी बड़े से पूछ ले कोई डायलॉग, और फिर वो बोला करे। तो पश्तो में तो मैं बोलूँगा मस्ती मा कावा, ठीक है ये हो गया। पंजाबी में बोलूँगा सोचते हैं, पंजाबी सोचते हैं। ये बंदा आया था और इसको मैंने पर डाउन। अब मुझे बताओ कौन किल चोर है? मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि मैं किल चोरी नहीं करता, लेकिन ये ड्यू इनका काम है हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि हम किल चोर हैं, लेकिन हम किल चोर नहीं है। आपने देखा किसने किल चुराया? आपकी आंखों के सामने अनोनिमस की पब्लिक। ओवर एक्टिंग के पैसे काटो इस बंदे के, हंसाने के लिए कर रहा हूँ बस, इंजॉय करो। तो बाबा जी यहाँ पे हमने बैंडेजेस वगैरह लगाए, और इसके बाद वो इनका आखिरी बंदा यहाँ नहीं था, और जिसकी जिसको नॉक किया था उसकी बॉडी भी नहीं मिली, मेरे टीममेट ने नॉक किया था यहाँ पे, उसकी बॉडी भी नहीं मिली। और फिर मैं यहाँ से जा रहा था गाड़ी लेने, तो ये बंदे बॉट मार रहे थे, अभी दो बंदे थे, इसको तो मैंने बॉडी शॉट मार के नॉक किया। इनका एक और बंदा था नीचे, उसको मेरे टीममेट ने देखा, उन्होंने मार्क करके बताया कि वो वहाँ पर है।
मैं आगे था, मेरे पास कार 98 और 8X था, तो मैं थोड़ा आगे की तरफ बढ़ने लगा और मैंने कहा चलो भाई मैं घुस के मारता हूँ उसको, क्योंकि मेरे पास जो स्नाइपर वनाइपर है। मैंने यहाँ पे एम किया और मुझे उसका हेड नज़र आ जाता है आई गेस, पता नहीं बॉडी पता नहीं हेड, और मैंने यहाँ पे उसको बॉडी शॉट मारा। ओके तो नवीद मुगल भाई भी हमारे जो है वो फिनिश हो गए। अब गाड़ी उठाएंगे, गधा गाड़ी, और जाके पहले करेंगे लूट, क्योंकि बाबा जी व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टप 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 दिस कार लूट का, नो मजाक बाबा जी। तो हम करेंगे लूट, और लूट करने के बाद हम यहाँ से निकल रहे थे, अभी निकलेंगे, अभी पहले लूट कर लें। फिर हमने यहाँ पे अपने लूट करने के बाद गधा गाड़ी उठाई, बॉट की भी लूट की, बंदों की भी लूट की। हम जा रहे थे ब्रिज पे, और यहाँ पे एक बंदा ब्रिज कम करके बैठा था। अब मुझे नहीं पता वो इन्हीं का बंदा हो सकता है, नोवा वालों का, ठीक है, अकेला बचा था ना। हाँ, ब्रिज कम करके बैठा था, उसने किसी बॉट को मारा। जब मैं जा रहा था ना, मैंने अचानक से उसको देखा, गाड़ी मैंने पीछे रोक ली और उसने हमें नहीं देखा, मतलब ब्रिज कम वो कर रहा है और हम, मैंने उसको देख लिया कि वो ब्रिज पे मूव कर रहा था वहाँ पे, और उसने नहीं देखा कि गाड़ी आ रही है, तो इसकी वजह से वो, मैंने गाड़ी वहीं पे पीछे एकदम से रोक ली, वरना आगे जाता ना शायद इसको पता चल जाता। और फिर मैंने कान 98 का कान के नीचे लगा के इसको भाई जो है वो फिनिश किया। अब मैं आ जाता हूँ इसकी लूट करने, क्योंकि लूट का नो मजाक बाबा जी। अब हम इसकी लूट कर रहे होते हैं ना, पीछे से एक बंदा फ्लेयर चला के बीआरडी में आई होती है उसकी, और बीआरडी में लेके ब्रिज पे आ रहा होता है सीधा, और जब पीछे देखा आए हाय हाय सर जी आई ये हम आपका मोस्ट वेलकम करते हैं। तो ब्रिज कैम हमारा हुआ था, हमने मारा और हमने ब्रिज कैम कर दिया, देख रहे हो देख रहे हो। भैया मैंने पाँव के नीचे मारने की कोशिश की जो कि नाकाम रही, और वो बंदा पीछे की तरफ भागने लग जाता, और देखो कितना तेज़ है, बीआरडीएम का कवर लेके भाग रहा है वो, ऐसा नहीं है कि नूब है, वो काफ़ी समझदार बंदा था और वो काफ़ी बीआरडीएम का कवर लेके भागा, और जैसे उसको मौका मिला वो जाके बस के पीछे छुप गया। अब मुझे पता था वो फिलहाल पीक देगा नहीं, तो मैंने टीममेट को बोला भाई अकेला है ये, आ जाओ रश करते हैं इस पे। तो हमने यहाँ पे बूस्ट मारा, भगाई गाड़ी, और सीधा पहुँचे हम बस के पास। तो मैंने एकदम साइड में गाड़ी रोकी, थोड़ी सी मुश्किल थी यहाँ पे गाड़ी रोकना, लेकिन मैंने यहाँ पे रोक दी, एकदम सेफ थी ये। और इसके बाद मैंने इस पे कर दिया रश, ऐसे कैसे बाबा जी मैं तुमको बोला था मस्ती मा कवा, बस तो आती जा रही है थोड़ी 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 थोड़ी, लेकिन आती जा रही है। पंजाबी में कौन सा डालोग? ओके मैं कल की वीडियो में पंजाबी में डालूंगा, मेरे पास एक है बंदा जो पंजाबी बोलता है, आप ही, तो फिर आपसे पूछेंगे कोई डायलॉग और फिर हम वीडियोस में बोलेंगे। यस तो बाबा जिसको हमने इसकी लूट कर फिर हम यहाँ से गाड़ी उठा के निकले, और जोन काफ़ी दूर था, हमने 1800 मीटर जोन के अंदर जाना था। अब यहाँ पे थोड़ा फनी सीन हो गया था, इसलिए मैंने ये कट नहीं किया एडिटिंग में, और मैं आपको दिखाया, देखो मैं भाग के फ्यूल नहीं, ओके मैं बस कैसे ना कैसे करके गाड़ी यहाँ पे ले आया अपनी, और आगे देखा गाड़ी खड़ी हुई थी, और मेरा दिल कर रहा था यहाँ मैं वो करूँ वाड़ा वाऊ, एक मिनट देखो गाड़ी यहाँ पहुँचाई है, मेरा दिल था मैं करूँ वाड़ा वाऊ वाऊ वाड़ा वाऊ वाऊ वाड़ा वाऊ वाड़ा वाऊ वाऊ वाड़ा वाऊ, अभी रुक जाओ वाड़ा वाऊ 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 बोलना पड़ेगा थोड़ा सा, और यहाँ पे फ्यूल फिर ख़त्म हो जाता है, तो फिर बोलना बनता है कि मत करो मत करो मत करो, बहुत मनहूस लग रहे हो मत करो। फ्यूल ख़त्म हो गया उस गाड़ी का भी थोड़ा सा आगे आके, तो फिर हमने फ्यूल ढूंढा और रोज़ा कैनी पेशावर में यहाँ पे गाड़ी लगाई, और इतनी देर में बाबा जी ये भाग रहे थे यहाँ से। अरे भाग कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, यहाँ पे इनको पूरा का पूरा स्क्वाड वाइप किया, 2 किल मुझे मिले, 1 किल गया मेरे टीममेट के पास, फिर एक स्मोक की क्योंकि काफ़ी ओपन में था, स्मोक कर दिया करो लूट करने से पहले, मैं मानता हूँ लूट करना मजाक, लेकिन अकल भी इस्तेमाल किया करो अनोनिमस की पब्लिक। तो हमने यहाँ पे स्मोक की और लूट की, इसके बाद यहाँ से जा रहे थे, तो ये बंदे गाड़ी के टायर वायर फोड़ के मिशन कर रहे थे, इन्होंने पीछे भी 2 गाड़ियाँ फोड़ रखी थी, इसको तो हमने दिया गाड़ी के नीचे। अब देखना कौन किल चुराता है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये देखो किसने किल चुराया, किसने किल चुराया मेरे को बताओ किसने किल चुराया। हमारा किल फिर से चोरी हुआ, लेकिन कोई बात नहीं बाबा जी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बोल भी कुछ नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, नहीं बोल सकते ना, शादीशुदा हजरात समझ सकते हैं कि हम कुछ नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे मैंने इस बंदे को गाड़ी के नीचे दिया, और फिर हम मैं उतरा और मैं नीचे गिर गया, मुझे लेफ्ट से साउंड आता है, राइट पे हालांकि और भी बंदे थे, मुझे यहाँ से साउंड आता है, मुझे लगा दरख्त के पीछे है, बट ये बंदा वापस की तरफ भागा था, और उन्होंने ऑलमोस्ट मेरी आधी हेल्थ खा ली। अब आप लोग बोलते ना भाई अनानिस भाई, अब बंदे कैसे स्पॉट करते हो, आज मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको, जितने देख रहे हो गौर से देखो। अब मुझे लगा इस दरख्त के पीछे, ठीक है, हालांकि मुझे नहीं पता वो बंदा कहाँ है, तो मुझे लगा इस दरख्त के पीछे, और ये देखो अभी सीन देखना, इस दरख्त के पीछे अभी पीक देगा, और ये लो वो बंदा वहाँ था ही नहीं, वो बंदा थोड़ा राइट में था, मुझे नज़र ही नहीं आया, और उसने VSS से मुझे नॉक कर दिया, और फिर मैं बोला अच्छा यहाँ था, फिर हम रिवाइव हुए, और फिर मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि इससे VSS से नॉक हो गए, हम कार लेंटेड हमारे हाथ में और हम VSS से नॉक हो गए। फिर मैंने हेल्थ नहीं की और मैं एम करके बैठा रहा इस पर, पहली शॉट मिस हुई,
और दूसरी शॉट में जैसे इसने अपना सर दिखाया हल्का सा, तो मैंने इसके थोड़ा सा जल्दी बोल दिया, टक कान के नीचे लगाया और ये ऑल स्क्वाड वाइप पूरा का पूरा हो गया। फिर बाबा जी हम इनकी करेंगे लूट, और लूट करने के बाद गाइस ये आखिरी ही बंदा बचा था वहाँ पे दूर, ठीक है, वो कोई जोन से मर रहे थे, एक बॉट आ गया था, वो टीममेट को मारने दिया, तो ये बंदा बचा था आखिरी। तो हमने दुड़की लगाई, मैंने बोला भाई पैन करेंगे इसको। अब ये बंदा जितना शरीफ आपको लग रहा है ना, ये दरख्त के पीछे बैठा हुआ बंदा ये इतना शरीफ नहीं है, ये बहुत तेज़ है। ये वही है जिसको अम्मी बोलती है बेटा जाओ 50 की दही लेके आओ, जे जाके या 45 की लाते या 40 की लाते और बाकी पैसे खा लेता और अम्मी को भी नहीं बताता। ये इतना चिल्ला गया ये बंदा, नूबड़े जैसी एक्टिंग कर रहा है नहीं, और ये स्मोक के अंदर मारने लग जाएगा, जिंदगी खतरे में आ जाएगी आपके एनोनिमस की। लेकिन कोई बात नहीं, हमने स्मोक की और आगे की तरफ लगाई दुड़की, और ये एक और स्मोक कर रहा था मैं, उसके बाद हम भग रहे हैं आगे की तरफ, ये फिर एक और स्मोक फेंका मैंने और ये बंदा स्मोक के अंदर करने लग जाएगा फायरिंग। वाह वाह वाह, ये हमारे बम पे लगा, हमने भी पैन निकाल रखा है, हमने भी डिसाइड कर लिया था मारेंगे तो पैन से मारेंगे वरना नहीं मारेंगे तेरे को। और फिर हमने जम करके इसके बम, आहा लगा, एक और लगा बम पे, एक और लगा बम पे, और हमें मिला विनर, विनर चिकन डिनर एनोनिमस की पब्लिक। तो यहाँ पे हमने लगाया फिर सेकंड मैच सनॉक, मैंने बोला था एक वीडियो से आपको मजा नहीं आने वाला, और मैंने लाइक इतना ज़्यादा कट कर दिया था कि आप कहीं भी बोर ना हो, सारे आपको फनी और फाइट वाले सीन देखने को मिले। तो ये वाला मैच पूरा मैंने इतना छोटा कर दिया, ये लाइक पूरा सैनॉक आपको 3 से 4 मिनट में देखने को मिलेगा, तो काफ़ी कट कर दिया था मैंने ताकि आपको ज़्यादा मज़ा आए। और आप लोग कह रहे थे कि ज़्यादा मैप खेला करो, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं मेरा मार खेलूँ या विकेंडी खेलूँ, तो जो ज़्यादा कमेंट आएंगे हम उन दोनों में से एक मैप दोबारा ट्राई करेंगे। तो हम लोग जा रहे थे बूट कैंप, और वेयर हाउस लेना मैंने प्रीफर किया कि भाई मैं वेयर हाउस में जाता हूँ। देखो प्रीफर, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है आपके एनोनिमस को, सस्ती आती है लेकिन आती है इंग्लिश। तो भाई हम यहाँ पे आ गए थे, और फिर यहाँ पे मैं मिली M416 और साथ में 7 M416 के साथ 7 का एमओ पड़ा। ये कौन सा लॉजिक है मुझे बताइए, ये कौन सी किताब में लिखा है कि M416 के साथ आपको 7 का एमओ मिलेगा। अब ये लेफ्ट से साउंड आ रहा था, तो मैं इस लेफ्ट वाले बंदे के लिए कैम्प करके बैठ गया कि तुम आओ, हम भी अपने बम पे धूप लगवा रहे हैं, आओ आपको नॉक करेंगे। और ये बंदा तो भागा और ये नॉक हो गया, नाइस नाइस नाइस। और दोबारा मैंने इसको डाउन किया, नाइस नाइस नाइस। ये तो ये पूरा किल हुआ, एक बंदा नॉक हुआ, और ये भाई साहब तो अलग ही दुनिया में जा रहे थे, इनको नॉक किया, आगे लगा दी दुड़की, देखा जाएगा जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा, टेंशन नहीं लेनी है एनोनिमस की पब्लिक। और ये नॉक वाले भैया को हमने यहाँ देखा, और इनको फिनिश करके इनकी लूट उठाएंगे। अब सामने वाली बिल्डिंग में ना गए, वो सामने वाली बिल्डिंग में बंदा आपने देखा तो मैं फौरन से, मैंने भी देखा था तो मैं प्रोन हो गया। अब मैं उसका वेट कर रहा था, मैंने टीममेट का वेट किया, और फिर मैं आगे भागा, और जैसे उसने मेरे टीममेट को मारा मैंने इसको मारा। ये कवर फायर होता है, अपनी टीममेट की हेल्प किया करो या उसको बोला करो बेट बन जाए, अगर जिसका एम अच्छा हो ना वो बेट ना बने, जिसका एम थोड़ा सा कम अच्छा हो वो बंदा बेट बन जाए, और फिर ऐसे आप एनिमीज को डाउन कर सकते हो। तो हमने इसको डाउन किया, इसकी करेंगे लूट बाबा जी। और उसके बाद यहाँ पे मैं जा रहा था आगे की तरफ, इतनी देर में पीछे से मेन बिल्डिंग से एक बंदा मेरी टीममेट को डाउन करता है, और मैं जाके इनको रिवाइव करूँगा। अब रिवाइव ऐसे किया करो हमेशा कि आपको आप टीपी पी लेके देख भी सको कोई आ तो नहीं रहा, और आप अपने टीममेट को रिवाइव भी कर दो। तो मैं भी यहाँ पे यही कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा लेट रिवाइव पे टच किया, मैं इसलिए वेट करता था कि मुझे टीपीपी का व्यू भी मिलता रहे। अब एक बंदा गाइस रश करके हमारे सामने वाली बिल्डिंग में आ चुका था, तो मैंने फैसला किया मैं रश कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्योंकि वो बंदा लाइक इस साइड पे टीपीपी ले रहा था, मैंने आपको बोला ना मैं काफ़ी गेम प्ले जो है ना कट कर दिया, वो बंदा इस साइड पे टीपीपी ले रहा था दरवाजे की साइड पे, तो हमें पता था वो अगर निकलेगा तो इसी विंडो से निकलेगा। मैंने अपने टीममेट को भी बोला कि आप भी यहीं पे एम करो, मैं भी यहीं पे एम करता हूँ, जैसे वो बंदा आएगा उसको मारेंगे। जहाँ मैं बैठा हूँ ना यहीं से, मतलब यहीं पे वो बार बार आके बैठ के टीपीपी ले रहा था, आ रहा था और वापस बैठ रहा था। तो उसके बाद मैंने काफ़ी यहाँ पे भी गेम प्ले कट किया, फ्लेयर चलती है, मैं यहाँ पे फ्लेयर की तरफ आ जाता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई 20-25 मिनट का गेम प्ले हो जाए, एडिट भी करने में टाइम लगेगा और आप भी बोर ना हो जाओ। तो फ्लेयर इसने नहीं चलाई थी बंदे ने, फ्लेयर लेकिन ये फ्लेयर के पास में लूट कर रहा था। तो हमने इस बंदे को लेकिन आप पी को बहना थी ये मेरी कोई जहरा नाम था आएगा इनका, तो हमने इनको फिनिश किया, इनकी करेंगे लूट बाबा जी। और इसके बाद हमने किया फ्लेयर वाले बंदे पे रश। अब फ्लेयर चली थी घरों के बैक साइड पे, ठीक है, अब मैं यहाँ पे ध्यान से घरों की साइड आया और ध्यान से घरों में होता हुआ फ्लेयर का बॉक्स ढूंढने लगा। और यहाँ पे मुझे फ्लेयर का बॉक्स बाबा जी नज़र आ जाता है, थोड़ा आगे जाके एमओ उठा लेते हैं, इतनी लूट थी मेरे पास फिर भी लूट का भूखा लूट कर रहा हूँ मैं। और फिर मैं ऊपर देख रहा था फ्लेयर का, ओके यहाँ मुझे फ्लेयर ड्रॉप दिखा, उसके साथ बंदा बैठा नज़र आया, आए हाय सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं। और फिर भाई को यहाँ पे फिनिश किया, फिनिश करने के बाद अब सबसे पहला काम आप क्या करोगे बताओ बताओ, भाग के फ्लेयर की लूट करेंगे। तो हमने लगाई दुड़की और जाके हमने कहा हम करेंगे फ्लेयर की लूट बाबा जी, मारे कोई गोलियां तो बेशक मारे हम नहीं रुकेंगे, मैं नहीं रुकूंगा।
उसके बाद हमने यहाँ पे आके फ्लेयर की लूट स्टार्ट की। अगर 6 बंदे बचे थे, 2 हमें और आपस में फाइट भी ले रहे थे वो लोग, तो हमें जाना था जोन में, सर्कल काफ़ी छोटा था, तो हमने फैसला किया कि एक साइड से जाते हैं दोनों और देखी जाएगी जो भी आया दोनों मिलके उसको डाउन कर देंगे, दूसरी साइड से नहीं जाते, मतलब हम लोग राइट से जाते हैं सर्कल में। लेफ्ट पे फाइट हो रही थी तो लेफ्ट पे बंदे थे, अब 4 ही बंदे बचे थे, मतलब वो बंदा ऊपर, आपने देखा मुझे स्पॉट हुआ और यहाँ मैं स्प्रे करके उसको डाउन किया, ये फाइट लेके आया था तो उसकी हेल्थ ऑलरेडी कम थी, जब मैं जंप कर रहा था मुझे आखिरी बंदा भी वहाँ पर स्पॉट हो जाता है, जंप किया तो वो बंदा पत्थर के पीछे भागा था, तो जब मुझे आखिरी बंदा भी स्पॉट हुआ मैंने यहाँ पे नेट निकाला, नेट निकाल के एक नेट फेंकेंगे पत्थर के पीछे, कुक कर रहा था थोड़ा सा, पहले एक पत्थर के लेफ्ट में फेंका, अब मैं दूसरा जल्दी से पत्थर के राइट में फेंक के कर दूंगा रश अपनी बैरल से, क्योंकि बैरल ज़्यादा पावरफुल है, और बैरल से हमने कर दिया रश, नेट थोड़ा सा करीब फटा था और वो बंदा आता बाहर, अरे बाबा जी ऐसे कैसे, तो हमें एक और विनर विनर चिकन डिनर मिला अनॉनिमस की पब्लिक। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके जरूर बताना, मेरी को बाबू लगे तो माफ कर देना, कान पकड़ के बोलता हूँ माफ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना, और प्लीज़ आप सब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम पे ही बोलता हूँ मैं फॉलो करने को, तो प्लीज़ कर देना मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है एक दिन का गैप आए, लेकिन हो सकता है मैं आते ही साथ पहला काम करूँ गेम प्ले बना के एडिट करके अपलोड करूँ, बाकी कहा से ना माफ, ऐसे प्यार करते रहना सपोर्ट करते रहना, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दिल से लव यू अनॉनिमस की पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।